नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विवादित विज्ञापन पर महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। धोनी के खिलाफ एक विज्ञापन में खुद को कथित तौर पर भगवान विष्णु के रूप में पेश करने के मामले में याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने वादी येरा गुंतला श्याम सुंदर को भी धोनी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आपराधिक मामला आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रांसफर करने की मांग की थी। धोनी की याचिका पर श्याम सुंदर और राज्य पुलिस से 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सानिया और हिंगिस ने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब। भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चेक गणराज्य की आंद्रिया लावाकोवा और लूसी राडेका को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला युगल खिताब जीत लिया, जो उनकी लगातार 36वीं जीत है। शीर्षवरीय जोड़ी ने 1 घंटे 45 मिनट तक चले मैच में चेक प्रतिद्वंदियों को 7-6, 6-3 से हराया। यह उनका लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। दोनों 2015 में विंबलडन और अमेरिकी ओपन जीत चुकी हैं। हरित न्यायाधिकरण ने सरकार से सम विषम योजना के दौरान हवा की गुणवत्ता से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि वह सम विषम योजना लागू किए जाने की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट दाखिल करे। इस याचिका में 2-स्ट्रोक इंजन वाले तिपहिया वाहन और चौपहिया वाहनों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि इन वाहनों से प्रदूषण फैलता है। हरित पैनल ने सड़क परिवहन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों की एक समिति गठित की और उन्हें निर्देश दिया कि वे वाहनों से पैदा होने वाले उत्सर्जन के स्तर का एक सर्वेक्षण करें। हिलरी क्लिंटन नहीं बन सकती अमेरिकी राष्ट्रपति, रिपब्लिकन दावेदार कार्ली फियोरिना ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रिपब्लिकन उम्मीदवारी की दावेदार कार्ली फियोरिना का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष दावेदार हिलरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन सकती, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी जनता से लगातार झूठ बोला है। कॉर्पोरेट लीडर से नेता बनी फियोरिना ने आयोवा में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी से जुड़ी बहस में कहा कि हिलरी क्लिंटन फायदा उठाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगी। उन्होंने कहा कि जो बिल क्लिंटन ने किया आप सब जानते हैं, यदि ऐसा मेरे पति ने किया होता तो मैं उन्हें कब का छोड़ चुकी होती। अब रेलवे स्टेशन पर एटीएम से मिलेगा पानी। यूपी के बरेली जंक्शन पर शुद्ध और सस्ता पानी उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष से स्टेशन पर यात्रियों को एटीएम से पानी मिलने लगेगा। रेलवे सूत्रों ने बताया कि प्लेटफार्म पर बैंक के एटीएम की तर्ज पर पीने के पानी के एटीएम लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें टोकन डालने पर 1 लीटर पानी निकलेगा, जिसे यात्री बोतल में भर सकेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।